नहीं है, ये करम होता है। ये जो सरदार का जनाजा जो हमें नजर आया, इतने लोग थे, ये हम फिर काउंटिंग में खुश हो रहे थे। भाई ये काउंटिंग का मसला नहीं था, मसला दिलों का था कि दिल खिंचे हुए थे। ये क्या था? ये करम था, ये विभेद का। कैसे करम था? कहा तुम एक शख्स ने, एक शख्स, बहरहाल उसके साथ लोग थे लेकिन बहरहाल जाहिरी निमाद तो एक शख्स था, कहा एक शख्स ने हमारे हरम को बचाया कि करोड़ों लोग अमनियत से उसकी ज्यारत करें। ये आसान नहीं है, आई हम सुनते निकल जाते हैं, करोड़ों लोगों की जान अमान में रहे, मगर ये शख्स मैदान में रहा, मैदान में रहा, खड़ा रहा, खाक पे रहा। कोई तस्वीर ऐसी नहीं है कि कहीं कुर्सी मेज पे बैठा वो काम कर रहा हो, नहीं है, मैदान में रहा एक शख्स, कई साल लगा रहा, जान अपनी यहां पर रख के घूमता रहा। क्या कहा? हरम बचे अहले बैत के, नामूस है तशय्यों की हरम अहले बैत। वो दौर और था कि जब तुम दरवाजा जला के चले गए, अगर अभी होते तो तुम्हारी नस्लें भी पछता रही होती। वो दौर और था, अब थोड़ी है कि तुम आओगे और चले जाओगे, नहीं, अभी तो अब तुम आओगे चले नहीं जाओगे, अब तुम जाओगे कहां, जब तुम पहुंचोगे तुम्हारा घर ही नहीं होगा वहां पे। ये क्यों है? कहा बरकत है, जब एक शख्स ने इन सारे हरम को बचाया और हजरत जैनब सलाम अल्लाह सानी जहरा के हरम को बचाया कि जहां वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुके थे, कहा बचाया तदबीर से, तदब्बुर से, शुजाअत से बचाया, तो कहा तुमने बचाया। शहीद और भी हुए, शहीद और होंगे भी, सही होते रहेंगे, मगर हम तुम्हारा जनाजा तारीख में रकम करवा देंगे। वो इसमें किसी का वो कमाल नहीं था, असल में इसमें अहले बैत का कमाल था कि लोगों के दिलों को खींचा, खींचा लोगों, चाहे बच्चे थे, चाहे बूढ़े थे, चाहे सर्दी थी, चाहे गर्मी थी, मैं खुद मौजूद था, असल हाल और हवा कोई और थी, असल लोग जनाजे में पिस गए। बाजी बोले ये क्या था? मैंने कहा ये कुछ नहीं था, ये खुद मरना चाहते थे उसके जनाजे पे। कितने दिन से लाइन लगी हुई है सिर्फ ज़ियारत की कब्र की। मगर क्या था? पैसे दिए थे उसने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, नहीं, भाई यतीमों का मुझसे देखे नहीं जाते बच्चे, उन शोहदा के यतीमों के। हम अपने बदन के टुकड़े करा देंगे मगर आपके हरम बचाएंगे। अब ये दर्स कहां से लिया? ये वहीं से लिया, ये मदीना से दर्स लिया। बीबी घर बैठ सकती थी, ये भी घर बैठ सकते थे, नहीं बैठे। खूब ये हमारे लिए इबरत है दोस्तों कि हमें अपने वजूद में रहते हुए जो भी काम कर सकते हैं हमें लड़ना चाहिए, और इस खौफ से बाहर निकले इंसान कि क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। मगर जो लोग इस रास्ते पे चले गए, मर गए क्या? खुदा ना वास्ते, कोई नहीं। कुरान क्या फरमा रहा है? गुमान ना करो मुर्दा, बल आया हूं बल्कि जिंदा है।